वेलकम स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब रिलेशन के बारे में। जैसा कि इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है, जो आप क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर रिलेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन जो रियल लाइफ में भी हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे कि ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, मदर ऑफ, ये सारे रिलेशन हमारे होते हैं। तो ऐसे मैथ्स में जब दो सेट हमारे पास ए और बी हैं, तो उनके बीच में अगर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में कोई रिलेशन है, कोई वहां पर हम लिंक बना सकते हैं, तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं। जैसे कि सिंपल वे में अगर आप उसको डिस्कस करते हैं, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू रिलेशन, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट, टू नॉन एम्पटी सेट, देन अ रिलेशन, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, उनके बीच में कोई भी हमारा रिलेशन एक सबसेट ए क्रॉस बी का है, वो उसका एक रिलेशन है। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं, एक सेट लेते हैं कि ए सेट ए 1 2 3 और बी 1 4 9। जैसे कि अब इसका एक डिफाइन किया हमने स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 ए सेट से बी सेट में लेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, हाउ मेनी एलिमेंट। मतलब कि अभी हमने लिखा एम इंटू एन, मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 into 3 9। लेकिन 9 सारे नहीं लेने, हमको केवल लेना है स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट ऑफ मतलब कि अगर जो ए है वो उसका स्क्वायर रूट है, तो मतलब कि 1 1 का स्क्वायर रूट आएगा, 1 जब 1 इधर है, 1 इसमें जो लिंक करेगा। दूसरा क्या है, 2, जो 2 होगा वो 4 के साथ, और 3 किसके साथ, 9 के साथ, 1 1 2 4, यही हमारा रिलेशन एक हो गया। अगर सेम सेट के साथ में हमारा आता है ए आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट इज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सिंपली से आर इज द रिलेशन ऑन ए। पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि एक हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 3 4 5 6। तो सिंपल वे में एरो डायग्राम से हमारे पास 1 का 3 से मैपिंग है, 1 की मैपिंग 3 से, फिर 2 5 से, 2 की मैपिंग 5 से, 3 6 3 की मैपिंग 6 से, 2 6 2 की 6 से, और 2 3 2 का मैपिंग 3 से। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये मैपिंग हमारी बनी बनाई गई है, तो ये जो भी एलिमेंट्स, अब कुछ एलिमेंट्स हमने इसमें छोड़ भी दिए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस, आप पढ़ चुके हैं। तो सिंपल वे में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन जो भी हमारा रिलेशन है, डोमेन ऑफ आर इन द रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स All ordered pair belonging to R, मतलब कि वो पहला वाला जो हमारा ordered pair में पहला element जो लिखते हैं, वही हमारा क्या है, domain है। Range क्या है, range of R is the set of second element of all ordered pair belonging to R। Range क्या है, जो उसका second element है। Codomain क्या है, codomain जो उसका second हमारे, जैसे कि एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है, तो जो ये बी के सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। ए के रिलेशन के सेंस में ए फर्स्ट वाले एलिमेंट जो हमारा रिलेशन बनाएगा, वो हमारा क्या हो गया, डोमेन। जो इसमें से वही एलिमेंट जो बनाएंगे, वो हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ए क्या है, एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 3 5 6। अब आर एक रिलेशन हमने बनाया, ए इज लेस देन बी, मतलब कि जो पहला एलिमेंट है, जो उसका डोमेन है, वो बी से, बी का मतलब रेंज से छोटा होना चाहिए। तो आर क्या बनेगा, 1 की मैपिंग किससे हो जाएगी,
वन मैप किया यहां से 1, 3, 1, 5, 1, 6, मतलब 1 जो होगा वो 3 से भी मैप करेगा, 5 से भी मैप करेगा, 6 से, क्योंकि सबसे छोटा है। केवल 3, 2 भी सबसे मैप करेगा, 3, 3 से नहीं मैप करेगा, और 3, 5 और 6 से मैप करेगा। तो सिंपल वे में अब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन को में कौन आएगा, 1, 2, 3। रेंज में कौन आएगा, रेंज में ध्यान से देखेंगे यहां से 5 और 6। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 5 और 6 और कोडोमेन ऑफ द आर, कोडोमेन में कौन आ गया, सारा एलिमेंट जो भी 3, 5, 6 आया, जो भी 3, 5, 6 उसमें आया है। सिंपल वे में अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैविंग पी एंड क्यू, अगर किसी भी सेट में इधर पी एलिमेंट हैं, इधर क्यू एलिमेंट हैं, हमें यह बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इज 2 to power p into q। ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। एक यहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 है। अ रिलेशन r इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब जो r डिफाइन किया गया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स i है, क्या रिलेशन फॉलो कर रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर x² + y² = 9 विच इज फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। पहला जैसे कि उसने बताया कि r 0, 3 मतलब रिलेशन दिया है, ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा उसने डोमेन दिया है, तीसरा रेंज दिया है, और चौथा नन ऑफ दिस। तो सिंपल वे में जब आप फाइंड करेंगे x² + y² = 9 और सेट ऑफ इंटीजर, पहले देखो बोल दिया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमारा होगा वो इंटीजर ही होगा और कुछ नहीं उसमें आएगा। तो इंटीजर्स में ध्यान देंगे, हमारे पास सबसे पहले x² + y² = 9, y² = 9 - x², y = ±√9, क्योंकि रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, √9 - x². r = अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर x को हम 0 लेंगे, x को आप तो कोई भी रख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, 0 रखेंगे तो क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखेंगे क्लास 11th में भी आपने डिस्कस किया था कि रूट के अंदर आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, तो डिनोमिनेटर 0 का कोई केस है नहीं, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना है। तो मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 से ग्रेटर देन में माइनस के साइन के साथ वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो x की वैल्यू जैसे 0 लिया, तुरंत आ गया आपका 3 + -3 + 3 और -3, तो 0 लेने पर +3 - 3 आया। जब 3 लिया x की वैल्यू तो आपके पास क्या आया, 3 रखेंगे तो 0 आएगा, -3 रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो r हमारा ये आ गया। अब देख सकते हैं आप डोमेन क्या हो गया, पहला एलिमेंट 0, तो दो बार 0 नहीं लिखेंगे, 0, 3, -3। रेंज क्या हो गया, 0, 3, -3। अब आपके सारे ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर करेक्ट है कि नन ऑफ दिस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। जैसे कि मैथ्स में हमारे हर चीज के टाइप होते हैं, तो यहाँ पर जो रिलेशन हमने पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे 2 to power p into q, जैसे कि एक सेट ए में पी एलिमेंट होंगे, बी सेट में क्यू एलिमेंट होंगे, तो टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहला वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या है कि अगर लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो वो हमेशा फॉलो करेगा फाई, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी होगा, वॉइड होगा, तो वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट, तो उसको बोलेंगे वॉइड रिलेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि अगर उसके सारे ऑल कार्टेशियन और प्रोडक्ट आ जाए, सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब उसके सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो जैसे कि हमारे पास कोई भी सेट है, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दें, आइडेंटिटी सेट नॉन एम्प्टी सेट में उसकी मैपिंग उसी के साथ, जैसे कि 1, 2, 3 हमने सेट लिया,
और यहां से 1 का 1 से मैपिंग, 2 का 2 से मैपिंग, 3 का 3 से, मतलब IA इज इक्वल टू A डॉट कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू द A। ध्यान देंगे, void रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड द ट्रिवियल रिलेशन। मतलब जो हमारे void रिलेशन और हमारे जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं उनको हम ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्वेल्थ में आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से चेक करने के लिए कि ये हमारा जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, या ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन एक सेट पर डिस्कस करेंगे। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, सेट ए पर डिस्कस करेंगे टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। ध्यान देंगे कि एक रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेट टू बी द रिफ्लेक्सिव एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। मतलब वो अपने से, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका क्वेश्चन होगा सर डिफरेंस क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उस सेट में, जैसे हमने यहां पे सेट लिया 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 ये तो होंगे ही होंगे, जरूरी है, कंपलसरी। उसके बाद भी और भी जैसे 1 2 2 3 हो सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी के लिए ओनली, आइडेंटिटी के लिए केवल उसमें वही रिलेशन होने चाहिए एवरी एलिमेंट, जैसे कि 1 1 2 2 और 3 3। तो बस ये हमारा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी द ट्रू। मतलब कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे रिफ्लेक्सिव हैं बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ द नॉन वर्ड सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, कि मतलब जो हमारे यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो वो भी हमारा ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। तो आप ध्यान रखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर एक रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक एक्स कॉमा वाई, अगर उस रिलेशन में एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है ऑर्डर्ड पेयर, तो उसमें अगर y, x ही बिलोंग कर रहा है तब क्या होगा कि हमेशा वो रिलेशन क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट है 2 2 3 4, दूसरा सेट है उसमें हम लेते हैं दो रिलेशन 2 3 और 3 2 2 3 और 3 2, r2 क्या है 2 3 3 2 3 4, तो पहला r1 जो रिलेशन है उसमें देखो 2 3 है 3 2 है, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। लेकिन दूसरा वाला जो है वो सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 3 4 तो आ रहा है लेकिन 4 3 नॉट बिलोंग्स टू द आर, उस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ध्यान देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर ए कॉमा, एक रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कब होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द आर, देन ए कॉमा सी, मतलब जो बी भी कॉमन है वो गायब हो गया, ए कॉमा सी भी उस आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है ऑल एलिमेंट्स के लिए। ध्यान देंगे जैसे कि यहां पर हमें एक सेट लिया ए और ये उसका रिलेशन आर बनाया, आर वन आर बनाया, इसके नीचे एक आर है 1 2 2 1, देखो 1 2 2 1 तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी है इसमें। नेक्स्ट जैसे कि 1 1 1 1 और 1 2, तो 1 1 कॉमन है यहां से, तो यहां से 1 2 ही होना चाहिए, होया 1 2, आर वन में देखो आर वन नहीं है यहां से आपका ट्रांजिटिव, क्यों नहीं है, 2 देखो यहां से 2 1 और 1 2, बट 2 2 देखो 2 1, यहां से देखो 2 1, ये 2 1 और 1 2 belongs to the R, 2 1, but 2 1 and 1 2
belong, both belongs to the R, but 2, 2, 2, 2, not belongs to the R. Then R is the not transitive. अगर यहां पर 2, 2 होता तो ये transitive होता. Similarly, R1 transitive है आपका. कैसे ट्रांजिटिव है? सारे एलिमेंट हैं, जैसे 2, 3, 3, 2 तो 2, 2 है, 2, 2 2, 2, 2, 3, 2, 3 है इसके अंदर. तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव. अब बच्चों ध्यान देंगे, अगर किसी रिलेशन में वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अगर तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. Similarly, कि R is reflexive, R is symmetric, R is transitive, then this relation is the equivalence relation. तो ध्यान देंगे, equivalence relation होने के लिए एक नोट यहां पर हमने डाल दिया है, intersection of two equivalence relation. अगर कोई दो equivalence relation है तो उनका intersection always हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. बट यूनियन इज नॉट नेसेसरी टू इक्विवेलेंस. उसका यूनियन जरूरी नहीं कि वो इक्विवेलेंस. एक हमने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन का. रिलेशन आर एक सेट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 इज गिवन. ए माइनस बी इज इवन. जो हमारा ए माइनस बी होगा वो इवन होगा. कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक करते हैं. आर इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल को. A, A. सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट, ध्यान से देखेंगे, हमारा रिलेशन है कि A माइनस बी इज इवन. A माइनस बी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए. तो R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A माइनस A करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, सिंपल सी बात है. तो जीरो क्या है? जीरो एक इवन नंबर है. जीरो इज अ इवन. तो जीरो इवन है तो रिफ्लेक्सिव हो गया. अब हमारा सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर, मतलब कि ए मॉड मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. देन माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए नेगेटिव हो सकता है लेकिन होगा तो इवन. जब ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा, और माइनस होगा नेगेटिव आएगा. जैसे कि 4 माइनस 2, 2 और 2 माइनस 2, -2, तो -2 फिर से मॉडुलस को क्या कर देगा? पॉजिटिव, तो वो भी इवन हो गया. इस तरीके से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया. अब आते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. अगर मान लो कि a माइनस बी इज इवन और b माइनस सी इज इवन, अगर किन्हीं भी दो नंबर का a माइनस बी और b माइनस सी इवन है तो उनका सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन. ऑलवेज हम जानते हैं कि अगर दो इवन इंटीजर हैं तो उनका समेशन ऑलवेज कैसा होगा? इवन होगा. तो यहां से जब एडिशन करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? ए माइनस सी इज इवन. जब ए माइनस सी इज इवन तो ये आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.